28 जनवरी 2018 से संचालित राजकीय जिला पुस्तकालय बांदा का शिलान्यास पूर्व जिलाधिकारी व वर्तमान जिलाधिकारी मैनपुरी महेंद्र बहादुर सिंह ने पत्नी सहित आकर किया और छात्र एवं छात्राओं से संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूर्व जिलाधिकारी व वर्तमान जिलाधिकारी हीरालाल ने छात्र एवं छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया व अपने अनुभव साझा किया। बताते चलें कि पूर्व जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने पुस्तकालय में यूपीएससी एवं सिविल सर्विसेज की कोचिंग फ्री खुलवाई थी और स्वयं शिक्षक बनकर छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करते थे, जो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। उन्होंने छात्र एवं छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए निचले स्तर से शुरुआत करनी चाहिए, जिससे सफलता हासिल की जा सके। वहीं छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सवाल एवं जवाब किए और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो उनके जवाब में बताया कि टाइम मैनेजमेंट करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा सब बेकार है। उन्होंने छात्र छात्राओं को सफलता के टिप्स देते हुए बताया कि यूपीएससी की परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु सर्वप्रथम कक्षा 1 से 12 तक की हिंदी अंग्रेजी एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और जिस प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतिभाग करने जा रही हैं उसके सिलेबस को डायरी में नोट कर उससे रिलेटेड पिछले 5 सालों के सॉल्व पेपर सॉल्व करने चाहिए और फिर उसी हिसाब से मिलान करके अपनी स्टडी प्रारंभ करनी चाहिए, जिससे परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सके। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में आकर ग्रुप डिस्कशन करें, जिससे नॉलेज क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश है कि हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है और ई पाठशाला में 1 से 12 तक एनसीईआरटी की व्यवस्था भी छात्र एवं छात्राओं को स्वयं के खर्चे से निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि जब बेस मजबूत होता है तभी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आप लोगों ने बताया कि कैसे आईएएस बनना, बच्चों के साथ क्या क्या संवाद। पुस्तकालय में आकर कैसे पढ़ें, जो शासन की मंशा है पुस्तकालय गांव-गांव तक पहुंचे, लोग पुस्तकालय का प्रयोग करना सीखें, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें, बेसिक्स क्लियर हों, लोग टेंशन न लें, सही से पढ़ाई करें और जीवन में आगे जाएं। तो अच्छा अनुभव रहा और बच्चों ने बड़े खुल के क्वेश्चन किया। सबसे अच्छा ये लगा कि जो बच्चों का क्वेश्चन था वो मन से उन्होंने खुल के बिना एजुकेशन के पूछा। और लाइब्रेरी एक विद्या का केंद्र होता है, विद्या का सबसे अच्छा स्थान होता है और हर जिले में लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में हमारे पूर्वाधिकारी ने अच्छा काम किया था, इसको और अच्छा करना है। आज हम लोगों ने इस पर और अच्छा करने का निर्णय भी लिया। और कुछ कमियां बताई बच्चों ने, उस पर ध्यान दिया। बिल्कुल, हम लोग बच्चों के भविष्य को लेकर के हम लोग यहाँ 2 प्रोग्राम चला रहे हैं। एक दिन का अधिकारी का प्रोग्राम चला रहे हैं, उसका मकसद यही है कि बच्चों के मन से हीच या जो कमी है दूर किया जाए। दूसरा, हम लोग छात्र निर्माण संवाद का एक प्रोग्राम चला रहे हैं। अब तक हम लोग 16,000 बच्चों से बात कर चुके हैं, उनका गोल फिक्स करा चुके हैं, उनकी काउंसलिंग करा करके उनके उद्देश्य को पाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज ये हमारे पूर्वाधिकारी महेंद्र जी यहाँ आए और अच्छा ये लगा कि इन्होंने लाइब्रेरी को चूज किया और लाइब्रेरी का इनका यहाँ जब थे तो लगाव था, ये भी बड़ी अच्छी बात है।